अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा पटना के बापू सभागार में संस्थान का 25वां वर्षगांठ मनाया गया। इस मौके पर संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर कौशल कुमार ने कहा कि संस्थान के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संस्थान के विद्यार्थी और जो भूतपूर्व विद्यार्थी हैं सभी मौजूद हैं और इसका मकसद है विद्यार्थियों को प्रेरित करना, कैसे आपको प्रोफेशनल स्किल डेवलप करना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन साल 1999 में एक संस्थान से शुरू हुआ था, आज उसके 26 संस्थान काम कर रहे हैं और हमारे 72 फैकल्टी इस काम में लगे हैं, जिसमें विद्यार्थियों को और भूतपूर्व जो विद्यार्थी हैं वो सभी आए हुए हैं और इसका मकसद है विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि आप वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ें। और साथ ही यह हर्ष का विषय है कि अंबेडकर इंस्टीट्यूट जो एक संस्थान से शुरू हुई थी 99 में, आज उसके 26 संस्थाएं काम कर रही हैं, हमारी 72 फैकल्टी काम कर रही है और राष्ट्रीय स्तर के मानक के अनुरूप हमारे लैब और इंफ्रा बनाए गए हैं। तो विद्यार्थियों में यह खुशी का पल है कि अंबेडकर ग्रुप एक राष्ट्रीय स्तर के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण और शिक्षण की व्यवस्था दे रही है। निश्चित तौर पर बिहार में ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी का दौर आने वाला है और आने वाले समय में विभिन्न ऑटोनोमस कॉलेज जो होंगे, हमारे सारे कॉलेज भी ऑटोनोमस के सिस्टम से आगे बढ़ गए हैं और हम लोग UGC और सेंट्रल गवर्नमेंट के कांटेक्ट में हैं कि ऑटोनोमस हो ताकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नए मॉड्यूल्स और कोर्स स्टार्ट कर सकें। निश्चित तौर पर बिहार में बहुत बड़ी संभावना है, बिहार में वोकेशनल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन की मांग आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे युवा जो हैं वो स्किल्ड होंगे तभी बिहार और बिहार के बाहर देश विदेश में रोजगार